सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरा कुछ नया रेसिपी ट्राई करने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने आज यूनिक सा रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ सोचा मैंने कि चलो शेयर कर दो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है और ये आलू ले लिया है। सॉरी, मैंने तो ये बताया ही नहीं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैं आज बनाने जा रही हूँ नमकीन चावल। ठीक है, क्योंकि रोज़ दाल चावल खा के मन उग गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ न्यू ट्राई करें। तो नमकीन चावल के लिए मैंने इसमें प्याज और मिर्च काट कर डाल दिया है, और उसके बाद आप इसमें चाहें अनगिनत सब्जियां आप इसमें यूज कर सकते हैं। सो मैंने इसमें ले लिया है आलू, दो आलू मैंने काट लिया है, और प्याज हो जाने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो चलिए हम इसमें अब कुछ सब्जियां ऐड करते हैं नमकीन, अपने नमकीन चावल के लिए। हमारा प्याज जो है ब्राउन कलर का हो चुका है, तो इसमें हम ये सोयाबीन मैंने जो है अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है, और इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ दिया है। निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से, अभी मटर का सीजन चला गया है इसलिए मैं मटर नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसमें ढेर सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं अपने मनपसंद। जो भी सब्जियाँ हैं आप डालिए। मेरे पास कुछ ज़्यादा सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने सोयाबीन और आलू को तो यहाँ देखिए मैंने दाल को जो है वॉश कर लिया है, और मैं दाल और चावल को एक साथ मिक्स कर दूंगी और अच्छे से इसको भून लूंगी। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ी से मैं दिखाने का कोशिश किया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से भगा भगा के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से चावल और दाल को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बारी आती है पानी डालने की। हमारे मसाले जो है अच्छे तरीके से पक गए हैं, तो इसमें अब पानी डालेंगे। पानी आप अपने डालें, आपको जैसा रखना है। अगर ज़्यादा आप लोगों को पानी ज़्यादा पतला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें। अगर आपको सूखी सूखी चाहिए कम पानी ऐड करें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और हाँ, कुकर मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि कुकर में बनाने से ज़्यादा ही हमारे जो है पक जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं तसली में बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा गलता नहीं है।
ठीक है। बस बहुत हो गया, हमारा पानी काफ़ी है हमारे सब्जियों और चावल लाने के लिए। तो यहाँ देखिए, अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, है ना। देखने में सुंदर है ना, ये बहुत ही लग रहा है देखने में। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से ढक के और पकाएंगे। तो चलिए आप लोगों को मिल हमारी खिचड़ी जो है बन जाने के। तो देखिए हमारा खिचड़ी जो है आधा बना है, आधा अभी पूरा नहीं बन पाया अभी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। सो हमारा खिचड़ी जो है बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर बना है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो बहुत ही मन कर रहा है खाने का। तो चलिए मैं सोची कि पहले मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब बारी आती है हमारे धनिया पत्ते से गार्निश करने का। ये देखिए, ये इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा हम अगर धनिया पत्ते से गार्निश करें तो। ये देखिए लग रहा है ना देखने में अब सुंदर। तो चलिए हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, वाओ, सो टेस्टी एंड यम्मी। सो अब हम फाइनली चलते हैं सर्व करने अपनी खिचड़ी। ये देखिए, वाओ, मैं तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है जैसे। ये देखिए लग रही है ना देखने में एकदम टेस्टी सी। ये देखिए, और मैं इसको ऐसे ही सर्व करने वाली नहीं हूँ, मैं इसको सर्व करूँगी चटनी और पापड़ के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। सो देखिए ये हमारा खिचड़ी और ये रहा धनिये की टेस्टी वाली चटनी, हो गया ना परफेक्ट। तो चलिए हम चटनी के साथ अपने खिचड़ी को सर्व करते हैं। ये देखिए लग रहा है ना देखने में एकदम प्यारा सा, है ना। सो ये देखिए, Thank you.